उज्ज्वल जम्मू में आपका स्वागत है और मैं हूं दित्य राजपूत। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, चाहे वो हम बात करें कोविड-19 की या बात करें हम ड्रग्स की, तो काफ़ी अच्छा काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं SP रूरल सूरम सिंह जी, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहिए, कितना टफ रहता है तो कोविड-19 ऊपर से ड्रग्स, इस तरह से दोनों को टाइम देना पड़ता है और कितना टफ रहता है इस टाइम पर काम करना? देखिए, ऐसा है कि टफ तो रहता है लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको निभाना पड़ता है और ये सारे काम जो साइमल्टेनियसली होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमको ये काम करेंगे दूसरे दिन दूसरे करेंगे जी। और दूसरा ये टीम वर्क है जी। टीम वर्क में जो है जो एक SPO से लेके ऑफिसर तक सारे लोग जो हैं जुड़े होते हैं, सबकी मिली जुली जो हमारी मेहनत है सारा रंग लाती है। तो इतना डिफिकल्ट ज़रूर है पर ये नामुमकिन नहीं कह सकते सर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ आज बड़ी हुई आई है, पोपी स्टार जो है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़े, कितना ही पूरा मामला, कहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी और कितने लोग पकड़े गए और कितनी पोपी स्टार की क्वांटिटी कितनी है? ये एक्चुअली दो गाड़ियाँ थी, ये अलग अलग टाइमिंग में जो है पकड़ी गई हैं हमारे ज्यूरिसडिक्शन में जी। और मैं हमारे जो SDPO झज्जर कोटली हैं और SHO झज्जर कोटली, उन्होंने जो बड़ा अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इनको जब हमने इंटरसेप्ट किया है, एक्चुअली थी तो ये एक ही आदमी कनेक्टेड थे, ये बंदे जी मालिक था गाड़ी का जो कि खुद चला के ले ला रहा था एक ट्रक जी, और दूसरा ट्रक जो था उसके ड्राइवर था वो ले रहा था। और अलग अलग लगभग जो है 3-3 घंटे का इनमें डिफरेंस था ट्रैवल करने का। तो इनको हमने इंटरसेप्ट किया है, एक ट्रक में से जो है 140 kg पॉपी स्ट्रा मिली है और दूसरे ट्रक में से 110 kg मिली है। टोटल 2 क्विंटल और 40 किलो की ये हमें बरामद हुई है। और इन्होंने जो है बड़े एक कैविटी क्रिएट कर रखी थी, शेल्फ बनाए हुए थे बड़ी स्मार्टनेस के साथ ट्रक के अंदर, और वहाँ ये सारी चीज़ें जो छुपा के रखी हुई थी। और इसमें 2 आदमी जो है अरेस्ट किए हैं, 2 ट्रक जो है हमने सीज किए हैं, 240 किलो पॉपी स्ट्रा है और 50,000 रुपया भी जो है इसमें वो भी हमने सीज किया। तो सर, ये रूटीन चेकअप में जो चेकिंग हो रही थी या फिर इन्फॉर्मेशन थी इनकी? एक जो फर्स्ट वाली गाड़ी मिली वो तो रूटीन चेकिंग में ही मिली है जी। और फिर उसके आदमी के इंकशाफ पर फिर हम जो है दूसरी गाड़ी जो थी उसको जो है ट्रैप करते रहेगी, चेक करते रहे कहाँ आ रही है, कहाँ रुक रही है, कैसे है। और जैसे ही जो हमारे जो हमने पॉइंट फिक्स कर रखा था कि यहाँ आके हम नाका लगाएंगे और जैसे ही आएगी गाड़ी तो पकड़ लेंगे, तो वहाँ पर हमने जिसको पकड़ लिया। सर, देखा जाता है जो कि ड्रग्स डीलर होते हैं उनको NDPI के तहत जो है पकड़ा जाता है, तो उनको जो है सज़ा भी होती है और कहीं ना कहीं उनको जमानत भी होती है, ऐसा क्यों, कहाँ पर चूक रह जाती है कि उनको सज़ा मतलब कि जमानत हो जाती है उनकी? नहीं देखिए, जमानत होना या नहीं होना ये तो ऑनरेबल कोर्ट का काम है जी। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें डिफरेंट क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रूफ एविडेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मॉल क्वांटिटी जहाँ है ईजिली जो है बेल हो जाती है, मीडियम क्वांटिटी में जो है थोड़ी डिफिकल्टी आती है, पर फिर भी ज़्यादातर केसेज में हम देखते हैं कि उसमें भी जो बेल ईजिली ये लोग करवा लेते हैं जी। और कमर्शियल क्वांटिटी जहाँ आती है तो वहाँ आती इतनी आसानी से जो है बेल मिल नहीं पाती, उसमें सज़ा की काफ़ी ज़्यादा प्रावधान है, फ़ाइन के भी जो है काफ़ी प्रावधान है। तो डिपेंड करता है एविडेंस क्या है, किस क्वांटिटी में उसे जो ड्रग रिकवर हुई है और कौन सी ड्रग रिकवर हुई है, उस पर डिपेंड करता है सारी। तो सर, देखा जाता है कि आजकल गौ तस्करी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मतलब बैन की हुई है लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हो रही है, किस तरह से पुलिस काम कर रही है इसमें? हम जो 24 घंटे लगे रहते हैं कहीं ना कहीं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, सिविल लोगों की हेल्प भी लेते हैं हम, बाकी जो मोजिज लोग हैं उनकी हेल्प लेते हैं, अपने पुलिस के लोग हैं, सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी कॉपरेशन रहती है, तो उसमें मिलजुल के काम चलते हैं। सर, देखा जाता है आजकल रूरल एरिया से भी जो है कोविड-19 के केसेस निकलना शुरू हो गए हैं, तो किस तरह से पुलिस उन एरिया में काम कर रही है? देखिए, जिन केसेस में ज़्यादा केसेस ये पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं कोविड-19 के जी, वहाँ तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो एरिया को जो है कंटेनमेंट जोन या रेड जोन डिक्लेयर करती है जी। तो वहाँ हमारी SOP है कि वहाँ पर जो है वो ब्लॉक करनी है गलियाँ, मेन रोड जो है उस एरिया से जो है मेडिकल ग्राउंड या कोई इमरजेंसी हो तभी कोई बाहर निकले, अदरवाइज ना निकले वहाँ से बाहर, तो हम इंश्योर करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई है, पानी है, बिजली है, खाने पीने की चीज़ें हैं, मेडिसिन है और दूसरी दूध दही वगैरह जो भी है,
तो उस उन इन सभी चीज़ों की जो सप्लाई वहाँ पर लगातार उन लोगों को मिलती रहे और मोटिवेशन उनको, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको, कहीं कोई परेशानी ना हो, बाहर का आदमी जो है गलती से भी उस कंटेनमेंट जोन में जो है ना चला जाए, कहीं उसको इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ का आदमी कहीं बाहर ना चला जाए जो अनऑथोराइज्ड वे से लोगों को इन्फेक्शन कर, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। तो जिस तरह से डीसी जम्मू द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है कि मास्क ना लगाने पर फाइन और थूकने पर जो फाइन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसे है कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला हुआ है, अभी तो हमारे पास ये ऑर्डर आया नहीं, उसमें प्रावधान है जी। अब डिपेंड करता है कि हमें जो भी इसमें जो है डायरेक्शंस मिलेंगी डीएम की तरफ से तो या हायर हेडक्वार्टर की तरफ से, तो उसमें जितना भी गवर्नमेंट ने फाइन वगैरह किया होगा, तो अभी हमने ये कार्रवाई स्टार्ट नहीं की है, हम वेट कर रहे हैं कि जैसी कोई फर्दर डायरेक्शन मिलती है कंसर्न रेलिवेंट डिपार्टमेंट से तो अकॉर्डिंगली हम जो कार्रवाई करेंगे इसमें। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर कहते हैं, उस तरह देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो लोग हैं काफ़ी उन पर भी जो है सिम्टम्स पाए गए कहीं ना कहीं, तो अगर जिस तरह से उनकी ड्यूटी लगती है किसी रेड जोन में, तो किस तरह की डिफ़िकल्टी रहती है, किस तरह से मतलब रूटीन चेकअप रहता है उनका? देखिए वल्नरेबल तो आदमी हो जाता है जब पुलिस वाला, वैसे भी नेचर ऑफ ड्यूटी वैसी है, उसको रोड पर खड़े रहना है, गाड़ियाँ चेक करनी है, एक्यूज्ड के साथ डील करना है, पेपर्स कई बार उन्होंने जो गाड़ियों के चेक करने हैं वो हाथों से पकड़ने हैं, कई बार खिड़कियाँ भी खोलनी पड़ती हैं, तो वल्नरेबल हो जाते हैं, पर प्रिकॉशंस इसमें जो लेते रहते हैं जी। और एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो पुलिस वाले जो है अभी तक ज़्यादा जो है वो हुए नहीं है इन्फेक्ट इस डिज़ीज़ से। प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी है, फ्यूमिगेशन करना है, कोई कई पुलिस स्टेशन में हमने टनल बनाए हुए हैं जिसमें स्प्रे होता है, नॉर्मल स्प्रे करते रहते हैं, हाथ धोने, नहाना, डिपार्टमेंट की तरफ से जो मास्क दिए जा रहे हैं, कुछ लोग जो अपने लेवल पर भी जो है अच्छी क्वालिटी के मास्क जो है यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र हर ऑफिस में जो है हमने वो हाथ धोने की जो प्रोविजंस रखी हुई हैं। इवन हम देखेंगे कि अगर ऑफिस में भी एंटर करना होगा आपके हमारे किसी ऑफिस में, तो वहाँ भी जो है गेट पर जो है सैनिटाइज़र रहता है, मेन गेट पर जो है बकेट रहती है या नल रहता है, वहाँ हाथ धोए आदमी उसके बाद ही अंदर आए। और कई जगहों पर तो हमने जो है इसमें जो है थर्मल डिटेक्टर भी लगाए हुए हैं कि मान लीजिए किसी को ज़्यादा बुखार हो जाता है तो उस केस में उसको एंट्री हम देते नहीं हैं। और इसके अलावा जितने भी ऑफिसेज हैं पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे एरिया में, तो वहाँ हमने ये प्रोविज़न रखी हुई है कि गैदरिंग इकट्ठी नहीं करनी है, रेलिवेंट बंदे को ही एंट्री मिलती है और वो भी जो है कुछ जो प्रिकॉशंस लेने के बाद। और कोशिश करते हैं हमारे ऑफिसर्स या जितने भी फील्ड में ऑफिस लोग काम कर रहे हैं कि अगर कहीं किसी ऑफिस में कोई मिलने आता है तो बाहर ही उसके ग्रीवेंसेज एड्रेस किया जाए कि बाहर से वो आए, फिर वो बड़े सारे लोग बैठना शुरू हो जाए, फिर उसमें अगर एक भी आदमी जो पॉजिटिव है तो उसमें चांसेस जो इन्फेक्शन के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं बाहर ही उनकी जो है निपटारा कर ले। तो सर जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया ड्रग्स को लेकर, तो आने वाले टाइम में किस तरह की ये जो कार्रवाई जो है इन पर की जाएगी? देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस तो शुरू से ही ड्रग्स के खिलाफ रही है, पहले भी ये कार्रवाई होती रही है, अब भी आज की डेट में भी जो है कार्रवाई चलती रहेगी। और आप अगर देखेंगे तो पिछले कल भी हमने जो है घरोटा पुलिस स्टेशन के एरिया में जो है, हालांकि क्वांटिटी बड़ी कम थी उसमें हेरोइन, लेकिन एक अक्यूज्ड को उसमें भी पकड़ा था। और ये कंटिन्यूसली हमारी जो है थ्रू आउट द ईयर कार्रवाई चलती रहती है। सर आखिरी में क्या मैसेज रहेगा आपका जम्मू कश्मीर पुलिस का आम लोगों से? मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि पुलिस आप लोगों के लिए है, आपके लिए काम कर रही है, आप जहाँ भी कहीं हमारे ग्राउंड पर हमारे आदमी हों उनके हौसला अफजाई करें, हाँ कहीं कोई कमी पेशी रहती है तो ज़रूर हमारे नोटिस में ला सकते हैं। और ये जो कोविड है बड़ी तेज़ी से जो फैलता जा रहा है, इसमें जो है जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जितनी भी एडवाइजरीज गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती हैं, उन सब का ध्यान रखें। पुलिसकर्मी जो आपके लिए जो 24 घंटे जो है ऑन रोड रहते हैं, ऑन फुट रहते हैं, कोई पेट्रोलिंग करता है, कोई इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं, बाकी ग्रीवेंसीज को डील करने में लगे हैं, कंटेनमेंट जोन में लगे हुए हैं, क्वारंटीन सेंटर में लगे हुए हैं, आप उनके साथ भी तावन करें। और कहीं भी पुलिसकर्मी जो है आपको, आपसे अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, कहता है पब्लिक से कि ये करना है ये नहीं करना है, तो उसका अमल करें, मैं यही कहूँगा। और दूसरा ये कि अपने अपने बच्चे जो भी हैं, पेरेंट्स का सबसे पहला फ़र्ज़ है कि वो अपने हर एक बच्चे पर ध्यान दें, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं जितना अपने बच्चे पर ध्यान दे पाएंगे कहीं वो
ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो जाए, ड्रग्स के रैकेट में इन्वॉल्व ना हो जाए, एडिक्ट ना हो जाए, इससे ज़्यादा जो है कोई भी ध्यान नहीं दे पाता है। और पुलिस के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि हर घर के आगे या हर आदमी के लिए या हर जो जो भी स्मगलर है या जो भी अच्छा है उसके साथ जो है पुलिस उस पर वॉच करे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम सब मिलके पेरेंट्स, सोसाइटी के जो मोजेज़ आदमी हैं, नंबरदार, चौकीदार, पंच, सरपंच, एनजीओज, बाकी जितने भी लोग हैं, हम सब अगर मिलके काम करेंगे, आप पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, कहीं भी अगर कोई ड्रग्स की तस्करी में कहीं कोई इन्वॉल्व है, कोई नशे में इन्वॉल्व है, तो हमारे साथ ये सारी चीज़ें शेयर करें। हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारे फ़ोन नंबर भी जगह जगह जो है हमने डिस्प्ले करवाए हुए हैं। इसके अलावा एक स्पेशल नंबर हमने जो है वो रखा हुआ है 9086100100, 24 घंटे ये मोबाइल नंबर है, चलता है हमारा कंट्रोल रूम में। तो इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, हम जो फौरन रिस्पॉन्ड करेंगे। और इवन जो हमारे सोर्स होते हैं उनका नाम भी जो है वो सीक्रेट रखते हैं। तो सब अगर मिलके काम करेंगे हम जी, तो जो ड्रग्स का ये मीनेस है या ये जो कोविड महामारी है, इनसे हम जो है सेफली बाहर आ पाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये थे हमारे साथ SP सूरम सिंह, जिनसे आज हमने बात की। जिस तरह से आज आपको हम बता दें कि जजर कोटली में जो है 240 किलो पॉपी स्ट्रा जो है पकड़ी गई है, एक काफ़ी बड़ी खेप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी है। और आने वाले टाइम पे भी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है एक अच्छा काम देखने को मिलता है। जिस तरह से ड्रग्स की बात करें या फिर COVID-19 की बात करें, इस ये जो समय चल रहा है इसमें जो है काफ़ी अच्छा काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। तो अगले अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए उज्ज्वल जम्मू। नमस्कार।